हाय हेलो नमस्कार, मुझ जसवंत आपको स्वागत करुच्ची बिंगन चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वेलकम करुच्ची। तो आज आम कौन डिस्कसन करें जाऊे ना ओटीपल से नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को प्रिपेरेशन करने जाऊे आपको एक क्वेश्चन भितर आठ नंबर क्वेश्चन आपको गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार तो तार आंसर जब जहाँ आज आपको निश्चय तेल कमेंट करूँ मुझं निश्चय रिप्लाई देवी। तो ठीक अच्छे एमती वीडियो देखापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ जब वीडियो भल लगी निश्चिंत लाइक करूँ आ कमेंट करूँ आपको सांग सहित आपसी ग्रुप रहा सेयार करूँ। तो आपड़ कथ रखुच्छे जहाँकि आम भिडियो को देखा सहित आपंत हार्डवर्किंग करूँ आउ आप निश्चिंत एम सिक्यू पैटर्न थीओरी को आपंक नलेज को लगातु जमीक आपजाम को फेस करेंगे आउ एक्जाम को क्राक करेंगे। तो ठीक अच्छे आसतु भिडियो को स्टार्ट करवा आज भिडियो। तो आम मेनली कौन रहा ना ओटीपल से नर्सिंग अफिसर एक्जाम मेनली आम एम सिक्यू पैटर्न फोकस अच्छी। ठीक अच्छे तो आम देखा फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी लुम्बार पंक्चर इज डन इन बिटवीन ह्विच भट्टीब्रा। कौन कहला ना लुम्बार पंक्चर आम जो भट्टीब्रा अच्छी तार कौ भट्टीब्रा भितर आम लुम्बार पंक्चर कराए। ठीक अच्छे तो देखो ऑप्शन L3, L4, L1, L2, L4, L5 एंड L2 and L3। तो कौन कहला ना आम लुम्बार पंक्चर कौ लुम्बार बोन रे लुम्बार भट्टीब्रे सरी कौ लुम्बार भट्टीब्रे हुए। ठीक अच्छे जदि आंसर जहाँ आज निश्चिंत तौर कमेंट कर दिखाँ। तो देखो आर राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ये दुईटा हम राइट आंसर तो देखो मुझे आपको देखे दूसरी कौन पर मुझे राइट आंसर दुईटी हम। तो देखो लुम्बार पंक्चर आम मेनली कौटी कराए चर आर यूजुआली डन इन हॉस्पिटल्स बट नाउ इट इज सम न्यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म देम आज आउटपेशेंट प्रोसीजर इन देयर प्रैक्टिस। द डॉक्टर इंसर्ट ए थिन होलो नीडल इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द लुम्बार स्पाइन यूजुअली बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ और द फोर्थ एंड फिफ्थ लुम्बार भट्टीब्रा। तो कौन कहला ना थर्ड फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ लुम्बार भितर भी भट्टीब्रा भितर भी मैंने नीडल इनसर्ट होता है। तो राइट आंसर ये कौन हम ना बोथ ए एंड सी। ठीक अच्छे तो ऑप्शन एक रो राइट आंसर है कौन ना बोथ ए एंड सी। तो ये आपको निश्चिंत मन रखुदूँ एटा इम्पोर्टेंट। तो देखो आम लुम्बार पंक्चर टाइम रे मेनली कौन हुए ना आम जो लुम्बार भट्टीब्रा रहा मेनली आम लेंथ पोजिशन और सिटिंग पोजिशन रे फिजिशियन मैंने परफर्म कर लुम्बार पंक्चर को। तो लुम्बार पंक्चर आम मेनली कौन पर हुए। ठीक अच्छे आप मन में आसो लुम्बार पंक्चर आम कौन पर हुए मुझे कही रखुच्छी मेनली किसी केस लुम्बार पंक्चर हुए। तो कौन कौन पर हुए ना जितेबाला आमर किसी मेनिनजाइटिस रहिला आउ नहले जेतेबेले सब आराकनोइड आमर हामोरेज रहिला जदि केस को डिपेंड करे जे कोनोसी केस रे डॉक्टर एडवाइस द्वारा ए ए केस रे मेनली हेथाय और किछि न्यूरोलॉजिकल माने रहिला कॉजेस की फैक्टर रहिला और सीएसएफ फ्लूइड आमर जदि टेस्टिंग पई पठेबार अछि। तो ए ए सब केस रे आमर लुम्बार पंक्चर माने मेनली करा जाए। तो ठीक अच्छे बाबूजी आपने बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा। तो दुई नंबर क्वेश्चन देखो तो दुई नंबर क्वेश्चन कौन देती ना ओफालाइटिस इज द इनफेक्शन अफ दि न्यू बोन्स। तो कौन कहला ना न्यू बोन्स क्षेत्र में ओफालाइटिस माने कौन ना देखो इनफेक्शन अफ कह ना आईज की ना इयर्स की ना फारिंग्स की ना ओम्बिलिकल स्टंप। तो जदि आपको जना अच्छे आंसर तो निश्चिंत तले कमेंट कर दिंतु। तो देखो आमर मेनली ओफालाइटिस कहले कौन ओफालाइटिस कहले आर राइट आंसर हम ये कौन ना ओम्बिलिकल स्टंप। तो ओम्बिलिकल स्टंप कहले आप डाउट्रे थे कि ओम्बिलिकल कॉर्ड तो आम जानू ओम्बिलिकल स्टंप कौन। तो ओम्बिलिकल स्टंप कहले कौन ना जितेबाला गोटे बेबी आम डेलीवरी हो जाए तार नाही रे अथवा तार नाभी रे जेतिकी परिमाणर आम रहिला ओम्बिलिकल कॉर्ड तो सेटा जो आम बळी पड़ुची सेटा को आम ओम्बिलिकल स्टंप बोली कही था। मुझे तले इमेज देखिए जमा भी वीडियो को स्किप करूँ ना वीडियो को लास्ट जाए देखूँ। तो देखो आर कौन रहा देखो मुझे ओम्बिलिकल स्टंप रहा जो देखो यहीटा हूँ दैट इज ओम्बिलिकल स्टंप। देखो ओम्बिलिकल स्टंप हूँ यहीटा एंड जो इनफेक्शन आम हुए ओफालाइटिस देखो ये जगह मेनली आम रेडनेस हुए उजिंग हुए बहुत गुड़ी इनफेक्शन होता है बेबी मान क्षेत्र में जोटा कि आम ओफालाइटिस कही था। ठीक अच्छे भाबूजी आप क्लीयर हो गले। तो देखो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ह्विच इज द कमन एजेंट रेस्पन्सिबुल फर इनफर्टाइल डायरिया। तो कौन कहला ना इमान भितर यही चारोटी ऑप्शन भितर कौ एजेंट कौन करे ना आमर इनफैंट मान क्षेत्र में डायरिया देखा जाए कौप। ठीक अच्छे
जदि कमेंट जदि जाना अच्छे निश्चित तले कमेंट कर दिंतु तो देखु इकोली करे थाए कि ना रोटा भाइरस करे थाए ना हिस्टोलिटिक ई हिस्टोलिटिक करे थाए ना स्ट्रेप्टोकोकी करे थाए तो को एजेंट आमर इनफर्टाइल डायरिया कराए ठीक अच्छे तो आंसर देखु तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर इज रोटा भाइरस तो रोटा भाइरस आमर डायरिया रो पॉजिटिव एजेंट ठीक अच्छे देखो रोटा भाइरस इज द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टाइल डायरिया ठीक अच्छे वर्ल्ड वाइड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर बाय एतिकी देखु डेथ पर ईयर इन चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स मेनली एटा देखा जाए कौन ना 5 इयर्स अंडर 5 इयर मान क्षेत्र में देखा जाए जोटा कि आम रहा कौन ना इनफर्टाइल डायरिया कौन आर पॉजिटिव एजेंट ना रोटा भाइरस ये क्वेश्चन निश्चित आसपे निश्चित मन रखु आपर नोट कर रखु जमीक एग्जाम पूर्व आपने देखिए जी एग्जाम देवे ठीक अच्छे भाजपा आपने निश्चिंत गोटे नोट कि गोटे पेन धरिकी निश्चिंत लिखुदे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे स्कैल्ड बर्न्स मेनली कॉज्ड बाय तो स्कैल्ड बर्न कहले कौन आपने शुणी सब इलेक्ट्रिक बर्न जहाँ सब रोल बर्न होला रेडिएशन बर्न किंतु स्कैल्ड बर्न जब शुणी नथिबे मुझे आपको कहीदेवि तो शुणु भलसे तो स्कैल्ड बर्न्स कहा द्वारा हुए देखो इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लेम द्वारा ना केमिकल्स द्वारा ना मॉइस्ट हीट द्वारा तो स्कैल्ड बर्न आपण ओडियारे जानिछन्ती किंतु एटी जेतु इंग्लिश रे देछि आपण माने काळे बुझि पार नथिबे मु आपको कहीदेउछि स्कैल्ड बर्न कहले कौन ना आमर जो मेनली जदि आमर किछि बांफ पडुछि कि आमर जदि माने गरम पानी पड़ुची तो कौन हुए ना आमर हाथ में हो कि बॉडी रे मेनली कौन हुए ना फोटका हो जाए ठीक अच्छे तो गरम पानी किंबा बांफ द्वारा आमर जो फोटका होता है आम कौन कहू ना स्कैल्ड बर्न ठीक अच्छे तो स्कैल्ड बर्न ये आंसर राइट आंसर कौन हम स्कैल्ड बर्न मेनली कॉज्ड बाय मॉइस्ट हीट तो मॉइस्ट हीट द्वारा ही आमर स्कैल्ड बर्न हुए तो मुझे तार इमेज टी आप देखेद आईटा आपण निश्चिंत मन रखु तो देखो आर इमेज टी कौन रखु यही भाव ता इमेज टी रही है देखो यही जो फोटोका हो जाए रेडनेस होकर तो आम स्कैल्ड बर्न हुए तो देखो ये मुझे एक्सप्लेनेशन में कही देती स्कैल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ थर्मल बर्न रिजल्टिंग फ्रॉम हीटेड फ्लुइड्स सच एज बॉइलिंग वाटर और स्टीम मोस्ट स्कैल्स आर कंसीडर्ड फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न्स बट थर्ड डिग्री बर्न्स कैन रिजल्ट एस्पेशली विथ प्रोलॉन्ग कंटैक्ट ठीक अच्छे मेनली आम जो गरम पा कि बांफ पड़ जा आम कह स्कैल्ड बर्न ठीक अच्छे तो देखो तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आम पांच नंबर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ तो थर्ड स्टेज आम लेबर जो रहा फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज तो तीन टा स्टेज रे हुए आमर तो थर्ड स्टेज केबे सरे ठीक अच्छे देखो ऑप्शन ए टू आवर्स आफ्टर दि बाथ ऑफ दि बेबी ना बाथ ऑफ दि बेबी ना डिलीवरी ऑफ दि प्लासेंटा ना फुल डायलेशन ऑफ दि आमर सर्विक्स तो कौन कहला देखु कौन है ना थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपन को मुझ सब कहीदेवि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कौन हुए सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन हुए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन हुए तो देखो तो आम मेनली ये आंसर हम कौन ना थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन हुए ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन हुए ना डिलीवरी ऑफ दि प्लासेंटा तो थर्ड स्टेज आम कौन हुए ना प्लासेंटा डिलीवरी होउची आमर थर्ड स्टेज रो एंड ठीक अच्छे तो देखो मुझे फर्स्ट आउ सेकेंड आउ थर्ड ये तीन टा स्टेज रे कौन कौन हुए देखो लेबर इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस द फर्स्ट स्टेज इज द डायलेटेशन ऑफ सर्विस जोटा रहा फर्स्ट स्टेज द सेकेंड स्टेज इज द बर्थ ऑफ द बेबी जोटा रहा सेकेंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा जोटा कि सी पचार एंड दैट इज द राइट आंसर तो देखो यहाँ हम राइट आंसर तो मैं आपन को भी मन रखिबार अछि आ फर्स्ट स्टेजटा कोटा आ सेकंड स्टेजटा कोटा तो देखो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड सेकंड स्टेज हो बाथ ऑफ द बेबी तो किछि नहीं एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ए सब को निश्चिंत आपन को ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी रु बहुत गुडे क्वेश्चन आसे तो एटा भी आपन को मन रखिया को पड़िबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म व्हिच अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम तो कौन कहला ना आमर जो स्पर्म रहिला तो से स्पर्म रे कौन हुए ना गोटे एंजाइम थाए जी कि कौन करे ना ओभम भितर को जितना पेनेट्रेशन करिया पई आमर स्पर्म चाहे तो सेतबेले सेही एंजाइम टा क्षरण हेकरी आमको से माने से ओभम को पेनेट्रेशन करिया बारे हेल्प करे तो देखंतु को हार्मोन हेल्प करे ऑप्शन देखंतु अमाइलेज ना लाइपेज ना ट्राइप ना ट्रिप्सिन ना हायलुरोनिडेज ठीक अछि लास्ट ऑप्शन कौन अछि ना हायलुरोनिडेज ठीक अच्छे तो आपको भलसे पढ़वार अच्छे तो देखो भलसे मन रखु तो कौन कहला ना स्पर कोई एंजाइम मेनली क्रिएट करे सिक्रेशन करे रिलीज करे जी कि कौन करे ना उभम को पेनेट्रेशन करने हेल्प करे तो राइट आंसर कौन हम एंड द राइट आंसर इज आमर ऑप्शन डी दैट इज हायलुरोनिडेज
ठीक अच्छे निश्चिंत मन रखु हाइलोनिडेज आम कौन कै आम ओभम को स्पर्म ओभम को पेनेट्रेसन करमको हेल्प करता है। देखो एक्सप्लेनेशन रे इन मामल्स द आक्रोजोम ऑफ दिस स्पर्म जो आम स्पर्म हेड रहा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड हाइलोरोनिडेज एंड आक्रोसिन दुटा आम एंजाइम मानने मेनली कंटेन कै दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ओभम दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तो कौन कहला ना ओभम आउटर कवरिंग को आम जोना पेलुसिडा कहे तो से मेनली आम पेनेट्रेट करने कौन कै ना हाइलोरोनिडेज एंड आक्रोसिन जोटा कि स्पर्म एंजाइम क्रिएट कै तो सहीटा आमको हेल्प होता है। ठीक अच्छे बाबूजी आप निश्चिंत बुझीपारे मन रोनी भिड को पज करी एवं नोट करूँ खाता पेन ना स्क्रीनशॉट मारे निश्चिंत रखु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सात नंबर कौन दीजिए ना व्हाइल असेसिंग ए पेशेंट्स क्रानियल नर्व द नर्स आस्क द पेशेंट टू रेज द आईब्रोज स्माइल एंड शो द टीथ टू आसेस ह्विज क्रानियल नर्व। कौन कहला ना जड़े नर्स अच्छा से क्रानियल नर्व को आसेस कर क्रानियल नर्व डेफिसीट अच्छे कि कहार मानने प्रोब्लेम अच्छे तो से कौन करेंगे ना जन को गोटे पेसेंट को कौन कि आईब्रोज को उठाओ एंड स्माइल कर ठीक अच्छे एंड स्माइल कर एंड शो द टीथ आउ ना मानते दात देखापी भी कहते तो यहाँ मेनली से कौन पर क्रो कार्नियल नर्व को आसेस करवाई कहते तो ऑप्शन देखो भागस ना ऑप्टिक ना ऑल्फैक्टोरी ना फेसियल तो राइट आंसर आर कौन हम जदि जना अच्छे निश्चित तेज़ कमेंट कर दिंतु आई वीडियो पाइबा आप चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ आज वीडियो भल लगी लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ शेयर करूँ। ठीक अच्छे तो आर राइट आंसर हम दैट इज फेसियल नर्व। ठीक अच्छे फेसियल नर्व इज द राइट आंसर जोटा कि कौन हुए ना आमर आईब्रो सहित कनेक्टेड एंड स्माइल सहित कनेक्टेड एंड आमर रहा जो टीथ सहित कनेक्टेड तो यही भाव आमर जो रहा क्रानियल नर्व केतोटी ना बारटी तो आपको ये सब मन रखार अच्छे बारटी क्रानियल नर्व मुझे गोटे क्रानियल नर्व भी गोटे क्लास नहीं जी तो कौ नर्व मेनली क्या क्या मानने संजोग कै तो देखो आमर जमी रहा ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँपी ना आमर जो रहा स्मेल तो यही भाव भावी आपको कहीदेवी तो ठीक अच्छे। ठीक अच्छे एक्सप्लेनेशन में देखो तो फेसियल नर्व इज ए पाथवे फ्रॉम योर ब्रेन टू सर्टन मसल्स इन योर फेस इट कंट्रोल्स मसल्स दैट हेल्प यू मेक एक्सप्रेशंस लाइक रेजिंग एन आईब्रो स्माइलिंग और फ्रोनिंग। ठीक अच्छे भावी आपने निश्चय बुझीपारे तो आठ नंबर क्वेश्चन आसीगला जोटा कि आपंप क्वेश्चन आपको कमेंट करार अच्छे तो क्वेश्चन देखो कौन दे आइडेंटिफाई दिस ए इमेज टी भल भाव देखु ए इमेज टी कौन आपन को बतेबार अच्छी तो मुझे ऑप्शन दे देबी से ऑप्शन भितर कोटा राइट आंसर हम जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु। ठीक अच्छे तो आठ नंबर चित्रटे देखी दिंतु तो मुझे ऑप्शन देखा जाऊँगी ऑप्शन टी देखु तले कौन ना सक्शन मशीन कि ना वाइब्रेशन मशीन कि ना वार्मर मशीन ना वाशिंग मशीन तो बहुत कन्फ्यूजिंग अच्छी आपको भाभी जी आंसर देवार अच्छी तो निश्चिंत तले कमेंट कर दिंतु आर आंसर मुझे आपको कमेंट करार अच्छे। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर एंटीडोट ऑफ MgSO4 तो मैग्नीशियम सल्फेट जो रहा आम MgSO4 तार एंटीडोट कौन ऑप्शन देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट ना पोटासीयम क्लोराइड ना प्रोटामिन सल्फेट ना नालोक्सेन। कौन कहला ना MgSO4 एंटीडोट एंटीडोट MgSO4 एंटीडोट किए तो आपको राइट आंसर कहबार अच्छे राइट आंसर कौन हम जब जना अच्छे निश्चित तेज़ कमेंट कर दिंतु तो एंटीडोट ऑफ MgSO4 कौन ना ऑप्शन ए दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट तो 9 नंबर राइट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट दैट इज एंटीडोट ऑफ MgSO4 तो देखो तो एक्सप्लेनेशन कौन दे देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी इज कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम IV ओवर 3 मिनिट्स तो कौन है ना मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी रे कौन हुए ना आमको कैल्शियम ग्लूकोनेट दि जाए। ठीक अच्छे भाबूजी आपने बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया तो आमर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो रहा आमर इंडिया केबे सेटा माने कार्यकारी हेला केबे लॉन्च्ड हेला तो देखो ऑप्शन 1952 ना 1958 ना 1948 ना 1985। ठीक अच्छे यही भाव गोटे इयर क्वेश्चन निश्चिंत पड़े जमीक रहा MTP आक्ट कि केबे गोटे प्रोग्राम लॉन्च होता कि बोर कमिटी केबे सृष्टि होता कि केबे लॉन्च होता कि केबे इनवर्टेड होता यह सब क्वेश्चन निश्चिंत आसे तो आर राइट आंसर कौन हम देखो 10 नंबर राइट आंसर इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आम केबे लॉन्च होता ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज 1952 तो 1952 आम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च होता। ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 11 नंबर स्टिफनेस अकर्स टू दि बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड
कौन कहला ना आमर जिते गोटे डेड बॉडी अथवा गोटे बॉडी आमर डेथ हो जाए गोटे मनुष्य आमर डेथ हो जाए तो सेतबेले जो आमर स्टिफ हो जाए मैंने पूरा मसल सबू आमर स्टिफ हो जाए तो सेतबेले कौन हला ना ताकु आमे कौन कहू ठीक अच्छे देखो आप निश्चिंत जानते आंसर कितु कन्फ्यूजिंग आपको ये ऑप्शन देखें भल से देखो तो ऑप्शन कौन दे अल्गर मोटिस कि ना लिवर मोटिस ना राइगर मोटिस ना बॉडी मोटिस देखो कन्फ्यूजिंग अच्छे ना ना तो से आगो जदि आपरे पढ़ी थे बुझीथे ना जमा भी भूल तो मुझे आपको भल से एक्सप्लेनेशन करदेवी जमा भी भिडियो को स्किप करूँ ना ठीक अच्छे मेनली कौन है ना आम डेथ पर जितेबाला आम बॉडी स्टिफनेस हो जाए मसल स्टिफनेस हो जाए आम कौन कहते ना राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज राइगर मोटिस जदि आपको जाना ना जान लें आम द्वारा तो निश्चिंत गोटे थैंक यू कमेंट कर दिंतु तो आम यही आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ तो देखो तो राइगर मोटिस इज द राइट आंसर तो मुझर सब डिफरेन्स आपको कहीदेवी तो यही चारोटी ऑप्शन रो माने कौन तो देखो ये चारोटी ऑप्शन कौन देखु राइगर मोटिस इज ए पोस्ट बॉटम चेंज रिजल्टिंग इन द स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी मसल्स ड्यू टू द केमिकल चेंजेस इन देयर मायोफाइब्रोसिस राइगर मोटिस हेल्प इन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ एज वेल एज असर्टेन ऑफ द बॉडी तो कौन कहला ना से जहाँ कहली राइगर मोटिस हूँ आम स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आईटा कौन करे ना हेल्प कराए जो आम आसेसींग करने कि गोटे बॉडी कि आफ्टर डेथ आम के घंटा पर डेथ होगा यहाँ मेनली साइंटिफिक टीम मैंने मैंने से एक्सप्लेन करती ठीक अच्छे तो आम देखु मुझे जो कही कि तार माने कौन मुदेवी देखु अल्गर मोटिस कहले कौन ना डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर तो डेथ पर बॉडी टेम्परेचर पूरा डाउन होगा अल्गर मोटिस कह जाए तो ये क्वेश्चन भी सब पचारे तो जमा भी आपको स्किप करूँ ना लिवर मोटिस कौन ना डिस्कलरेसन ऑफ द स्किन आफ्टर डेथ आमर जो डिस्कलरेसन हो जाए स्किन आफ्टर डेथ तो सेटा को आम कौन कही ना लिवर मोटिस और राइगर मोटिस कौन ना स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी दैट अकर्स अबाउट 2 to 4 hours आफ्टर डेथ जोटा कि मुझे कहीदी ठीक अच्छे भाई आप निश्चिंत मन रखुवे तो यही तीनो क्वेश्चन निश्चिंत मन रखुदूँ एटा मे भी एथरक पचारे राइगर मोटिस आर थर आपको अल्गर मोटिस कि लिवर मोटिस भी पचारिपे ठीक अच्छे तो निश्चिंत ये तीनो मन रखुदूँ हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर व्हेन असेसिंग ब्लड प्रेशर द साउंड्स दैट आर हियर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द ब्राकियल आर्टरी इज टर्म आज तो कौन कहला ना आम जो ब्लड प्रेशर मापू आम कौन करूँ ना ब्राकियल आर्टरी उपरे आम स्टेथोस्कोप रखू तो से जो साउंडटा आम क्रिएट हुए आम कौ साउंड कहू ठीक अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ऑप्शन देखु क्राकल साउंड ना कोराट कप साउंड ना ब्राकियल साउंड ना लबडप साउंड तो कौन कहला ना आम बीपी मापिबा टाइम जो आम आर्टरी रे रखू स्टेथोस्कोप शुणापी तो से साउंडटा को आम कौन कहू तो ये राइट आंसर जब आपको जना निश्चित दल कमेंट कर दिंतु मुझे 100% रिप्लाई देवी तो देखो आर राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर इज कोराट कप साउंड तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जोटा कि आम बीपी मारपिला बेले आम शुणी था जो साउंडटा आम कहू कोराट कप साउंड आदि लबडप साउंड पचार था ये कौन ना नॉर्मल हार्ट साउंड नॉर्मल हार्ट साउंड को आम लॉपटॉप साउंड बोली कही था ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ग्लाइकेटेड हिमोग्लोबिन अर्थात HbA1c इज प्राइमरली मेजर्ड टू आइडेंटिफाई द मीन प्लाज्मा ग्लुकोज कंसंट्रेशन ऑफ तो कौन कहला ना आम HbA1c टेस्ट जाए आपने निश्चिंत समस्ते पठे थे समस्त जानते जो मैंने क्लिनिकल सेक्टर अच्छा तो देखो HbA1c आमर जो जाए तो सीटा केसर ब्लड ग्लुकोज लेवल को मीन प्लाज्मा तो केसर किनर ब्लड ग्लुकोज लेवल को मानने सूची थाए जनई थाए तो कौन ऑप्शन देखो 30 days ना 60 days ना 90 days ना 120 days तो केते डेज आमर HbA1c देखाई थाए ब्लड ग्लुकोज लेवल ठीक अच्छे यदि आंसर जना अच्छे निश्चिंत कमेंट कर दिंतु मुझे भावुची बहुत पिला मानक आर आंसर जना थी तो ठीक अच्छे आर आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज 90 days मेनली आम HbA1c कौन हुए ना तीन मास भितर आम ब्लड ग्लुकोज लेवल सूचे HbA1c तो देखो तार नॉर्मल रेंज भी मुदेवी देखो HbA1c इज योर आवरेज ब्लड ग्लुकोज लेवल्स फॉर द लास्ट 2 to 3 months
ठीक अच्छे आप बुझीपारे तो मुझे तार नॉर्मल रेंज भी कहीदे यहाँ भी बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन आसी तो देखो नॉर्मल रेंज के A1 सी लेवल नॉर्मल होजी लेस देन और इक्वल टू 5.6 तो 5.6 जब तौक रोज कि 5.6 रोचे आम कह H1C नॉर्मल अच्छी अथवा तीन मस जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आम नॉर्मल अच्छी डायबिटीज ना तो कितु पेड़िया डायबिटीज कौन हुए पेड़िया डायबिटीज आम 5.7 रु 6.4 थाए ठीक अच्छे मन रखु आडल्ट डायबिटीज कौन थाए ना 6.5 तो 6.5 कौन हुए ना आमर पूरा डायबिटीज जो आम टाइप टू डायबिटीज मेलाटिस रहा मेनली 6.5 प्लस था ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे निश्चिंत आपको स्क्रीनशॉट कर रखिपारे ना आप नोट्रे कॉपी कर रखुदूँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखो आंटीहेलमेंटिक्स ड्रग्स आर यूज एग्नेस तो कौन रहा ना आम जो आंटीहेलमेंटिक ड्रग्स रहा कहार एग्नेस्ट यूज हुए ऑप्शन देखो प्रोटोजोआ ना वर्म ना वायरस ना बैक्टीरिया कौन दे आंटीहेलमेंटिक ड्रग तो आंटीहेलमेंटिक ड्रग आम कहीं यूज हुए तो आपको कहार अच्छे जना निश्चिंत कमेंट कर दिंतु ठीक अच्छे आर राइट आंसर हम आंटीहेलमेंटिक ड्रग्स आम कहीं यूज हुए ना ओर्म ओर्म इनफेस्टेशन आम आंटीहेलमेंटिक ड्रग यूज हुए जोटा कि आम आंटीहेलमेंटिक ड्रग रे कौन जाऊँच ना आलबेंडाजोल ये सब आम जाऊँच कौन थे ना ओर्म इनफेस्टेशन जोटा कि आम एग्नेस्ट्रे आम दौचे जोटा कि आंटीहेलमेंटिक ड्रग्स ठीक अच्छे भावजी आपने बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो 15 नंबर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग ऑफ तो कौन कहला ना आम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कौ मान कहार आड द्वारा आम रिमूव कर पारिबा ऑप्शन देखो क्लोरीन को आड कले आम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हार्डनेस ऑफ वाटर को आम रिमूव कर पारिबा कि ना वाशिंग सोडा ना ब्लीचिंग पाउडर ना पोटासियम परमांगानेट तो क्या आम आड कले आम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर पारिबा तो आपको कमेंट करार अच्छे जब राइट आंसर आपको जना तो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज वाशिंग सोडा तो वाशिंग सोडा को आम यूज कले आम कौन करवा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर पारिबा ठीक अच्छे बाबूजी आपने निश्चिंत बुझीपारे आपको ये आज सेक्शन टी बहुत भल लगे ठीक अच्छे आज एटा थी आम लास्ट क्वेश्चन तो 8 नंबर क्वेश्चन जोटा रहा आपको कमेंट करार अच्छी तो आज एटा थी आम आज लास्ट क्वेश्चन तो आगे आम यही इंटरेस्टिंग भिडियो आप नहीं आसू आज भी टी भिड कमी जाइए जमा भी ओरीड हूँ ना मुझक आहरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग भिडियो नहीं आसूँ तो जमा भी ओरीड हूँ ना तो एपर्तंत भिडियो को देखु आपको बहुत बहुत धन्यवाद एमती आमको सपोर्ट करता वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ जल्दी जल्दी आप सहित आप ग्रुप सेयार करूँ तो जदि एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल रखु तो ठीक अच्छे तो जमा भी व्यस्त हूँ ना ओ ट्रिपल्स को क्रैकिंग करें कि ओ ट्रिपल्स एग्जामिनेशन को फेस करें आम आपको बहुत मात्रा हेल्प करूँ जमीक आप कैपेबल हे फेस करने एग्जाम को ठीक अच्छे वीडियो को देखा सहित आप निश्चिंत हार्डवर्क करूँ आपं ओ ट्रिपल्स बहुत इजी लगे ठीक अच्छे आज भिडियो ये रखा नेक्स्ट देखा एमती आगामी इंटरेस्टिंग वीडियो रे तो आज रही जय जगन्नाथ।